लोग देख सकते हैं पीछे का पूरा व्यू। तो अभी मैं कानपुर रेलवे स्टेशन पर हूँ, यहाँ से मैं जा रही हूँ घर अपने गुजरात। अकेले ही हूँ इस बार और मेरी जो ट्रेन है वो 7:20 की है। अच्छा लग रहा है। वैसे मैं रास्ते में जल्दी वीडियो शूट नहीं करती हूँ क्योंकि जो अगल बगल वाले लोग हैं ना वो सब देखते हैं, थोड़ा सा झिझक रहता है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि रास्ते में भी व्लॉग शूट करूँ। इससे क्या होता है कि अंदर का जो भय है लोगों के पब्लिकली बोलने का वो सब निकलता है। तो शूट कर रही हूँ और अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं आप लोग पीछे कानपुर रेलवे स्टेशन। अकेले हूँ लेकिन डर नहीं लगता सफ़र करने में, इतना ज़्यादा मैं अकेले सफ़र अभी कर रही हूँ इस समय, तो दिक्कत नहीं होता। और 7:20 की ट्रेन है, प्लेटफॉर्म नंबर 9 मेरी ट्रेन आएगी। अभी मैं देख सकते हो आप लोग, मैं घंटाघर साइड में हूँ। इस साइड से मैं जा रही हूँ। 7:20 की ट्रेन कानपुर से है और सेम वही 7 बजे तक कल वापी पहुंचूंगी। तो पूरा वही मान लीजिए 23-24 घंटे पूरा लग जाता है जाने में। नहीं नहीं है ना, जा सकते हैं। नहीं 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 ठीक, इसको सामान रख देते हैं। स्टेशन में पहुंच गई हूँ, अभी 20 मिनट में मेरी ट्रेन भी आ जाएगी। सीन मैंने देखा, उसको देख के ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बाप रे बाप, मतलब फास्ट ट्रेन पास हो रही थी वहाँ पे एक कपल जा रहा था, बाप रे बाप, ईश्वर ने बचा लिया उनको।
ऐसी लापरवाही कभी नहीं करनी चाहिए, भले ही आपको एक दो घंटा लेट हो जाए, चले नहीं कभी भी ना क्रॉस ना करो डायरेक्ट, और सिग्नल भी दिया है। तो मैं पहुंच गई हूँ उमरगांव स्टेशन, अब जा रही हूँ घर, अभी थोड़ी देर में घर पहुंच जाऊँगी। और आप लोग मेरा लुक देख रहे होंगे, पूरा भूतनी की तरह हुई हूँ क्योंकि चोटी वोटी बनाई थी और दो दिन से जा रहे हैं। तो अपने घर में पहुंच गई हूँ, ये मेरा सामान, और जस्ट अभी पहुंच रही हूँ ऊपर। अभी किसी को पता है नहीं कि दीदी आ गई नीचे, और अपना मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। छोटी वाली बहन को बता दी हूँ तो वो भी अपने हस्बैंड के साथ में आ रही है मिलने के लिए। बहुत अच्छा लगता है जब कहीं, जब हम परिवार से दूर रहते हैं ना, तब परिवार वालों को भी कदर होती है हमारी, नहीं तो उनके साथ में हो तो उतना वैल्यू, उतना कदर नहीं मिलता है। तो अब जा रही ऊपर, देखो पापा की गाड़ी भी यहाँ पे खड़ी है, यहाँ पे देखेंगे ना आप लोगों को दिखेगी 2012 गाड़ी का नंबर है, और लिए थे पापा 2011 में। और सुनसान रास्ता है, और इस रास्ते में डेली रात को टहलती हूँ, आप जो देख रहे हैं ना ये हमारा जो रास्ता है, डेली टहलती हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होती, बड़ा अच्छा है, सुकून है, शांति है। सुनीता, संदीप, ए बेबी आ जाओ, संदीप, अरे मेरा बच्चा, आ जा, 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 जा। आ जाओ मेरा बच्चा रंजीत, ओ देखो 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 मेरा बच्चा आ गया। संदीप पता है बाबा ने शक्ति खोली, हाइट बढ़ने वाली, तो ऑफ कोर्स बढ़ जाएगा, तू जल्दी दरबार में चल, कितना बड़ा एकदम आराम से हो जाएगा, जाओगे? हाँ तो दरबार में चल, गुरुदेव कह रहे थे अभी सबका मारण कट चुका है, तो अभी गुरुदेव कह रहे थे कि संदीप को भी लेके आना, और वो भी अपना जो स्मृतियां है वो डाल देंगे गुरुदेव बढ़ने वाली। हाइट में नहीं चाहिए, बस इतनी चाहिए, हल्के बस इतनी चाहिए। हाँ हाँ बढ़ जाएगा, दरबार तो चल, अभी अभी तेरा चेहरे साफ, सब साफ हुआ है ना, बिन पखा कम हुआ है ना, नहीं होता है ना, निकलते है। हाँ तो ये सब ना दरबार जाना पड़ेगा, बाप रे बाप दरबार, चल चल चल, गुरुदेव कह रहे थे जिसको शारीरिक कष्ट को दरबार लाना पड़ेगा, तो चल लेके, ये लेके चल, मैं तुझे बुलाए क्यों, बेग ले जाने के लिए। पापा गए ना, ट्रेन आई, कौन सा ट्रेन सर, अभी आई ना एक मेमो से आई, वापस उतरी वापस से फिर मेमो पकड़ के आई, फिर अभी आ रही हूँ चल के, बड़ा अच्छा लग रहा है, चलो चलो चलो। भारी है उसके अंदर, ये है हवन किट है, अग्यारी है, बहुत सारे सामान मैंने खरीदा है, और अभी सब मुझे दशांश करना बाबा, दरवाजा बंद कर बाबा। हाँ फाइनली मैं अपने घर पहुंच गई, इतना सारा चप्पल है दरवाजे पर रखे, उसको साइड में रखना चाहिए। वाओ ओ पापा, चलो पापा है हीरो, कैसा है सब लोग, ए हीरो कैसा है मेरा बच्चा, और बेबी थक गई, तू क्यों थक गई, जाती वहां पे कुछ कुछ काम जाए, जाती वहां पे थाने जाती है, मुलुंड बहुत दूर है ये मुलुंड, चलो आप थोड़ा अपने मम्मी से मिली, घर की साफ सफाई चल रही है ना गणपति के लिए, ये सब इतना कचरा क्यों रखा हुआ है, गणपति की तैयारी चालू, मतलब सब सफाई चालू घर की, ओ घर घर की साफ सफाई चालू, ओ मेरी मम्मी आ गई, मम्मी आई लव यू, ओ मेरी मम्मी को ले लो, मम्मी का पैर छूटू, मम्मी आशीर्वाद, मम्मी अरे मेरा बच्चा, सर्दी खांसी अभी हो जाएगा वापस, बच्चा तबीयत खराब है क्या, छांस पी लिया ना रात को, छांस पी लिया, मुंह तो पोछ ले, सब क्या करके रखा है, हाथ पर धो के मुंह पोछा गमछे से, बच्चे मेरा बच्चा, ये मेरा छोटा बच्चा है, हाँ कर लो, और पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई
पता है दरबार में, दरबार में शक्ति खोल लिए, सब बच्चों को पता है कितना परसेंट जा रहा है, 95, 90, 85 अभी तक एग्जाम ही नहीं हुआ है अभी तक, तेरा भी आएगा। गुरुदेव बोले कि पापा और मम्मी को जिसको शारीरिक कष्ट है उसको दरबार ला के मुझे दिखाओ। गुरुदेव बोले कि बेटा वीडियो कॉल करा देना, हवन हो चुका है, आप लोग दरबार बुलाए। गुरुदेव बोलते हैं सब साथ में नहीं आ पाए तो थोड़ा करके सब लोग आ जाओ, दरबार मम्मी प्रदीप को ला दो या संदीप को जिसको भी थोड़ा ला दो। हाँ गुरुदेव जा रही, बहुत सारा काम है, जिम्मेदारी है। बोलते बेटा दरबार तुम्हारा है, जब भी आओ जाओ रहो, कौन रोकता है। संगीता जा रही है, आज आ रही, कल आऊंगी, कल गणपति लेने आऊंगी, तब रुकूंगी और रात को रुकी जाऊंगी। और दीदी कल ही पंडित जी सब आके सांझी बता दिए कि का करे के कैसे करे के, ओकर हिसाब से तैयारी करना पड़ेगा। ये तो चल का कल ज्योति भी रुकेगी। हाँ एकदम, हम लोग यहाँ पे डेकोरेट कर देंगे। ओके ओके, वो घर साफ कर दिए, घर का थोड़ा सुबह देख लेना। हाँ हाँ ठीक है, वो घर साफ कर दियो, खाली ये दो घर बोल देना, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं है, साफ किया है दो बार मैंने करके, पूरा बिखरा पड़ा सब साफ सफाई करनी पड़ेगी। खाना तक ही नहीं होगी कुछ खाना। हाँ वैसे खाई हूँ, छोटे दिन तो खाई हूँ, बता रही हो रहा है ना, चल जान दो सारा सामान। अरे कौन करेगा, मैं सुबह सो ना, मैं एकदम भूतनी की तरह दिख रही हूं। तू खाना ना खाएगी, हम दोनों अब सेम बहन बहन लग रहे हैं। खाना ना खाएगी, एडमिशन नहीं हुआ तो बहुत दिन से दूर गया कि ये तक नहीं जाना, बुला रहे थे तेरे हस्बैंड, उसको बुला रहे, बाय बाय सरिता, बाय टुमारो, बाय बाय। कैसे हैं आप, मजे में? ऊपर नहीं आए? अच्छा हाँ सब ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ सही है, हाँ सही है, बाय। अपना ख्याल रखना, सबका ख्याल रखना, बाय। हाँ हाँ अब मैं भी नहा लेती हूँ, क्योंकि दो दिन से मैं नहाई नहीं हूँ, नहा धो के फिर मिलते हैं।